नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हैं हम कलियासोत डैम पे। तो इस कलियासोत डैम के बारे में जानेंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो बाहर की तरफ जो ढाल रहता है बांध का वो थोड़ा सा स्लोप कम रहता है, इसका जो अलाइनमेंट रहता है वो लगभग 30 डिग्री के झुकाव में रहता है और ऊपर का हिस्सा थोड़ा खड़ा कर देते हैं। वो ढलान इसलिए रहता है कम और चौड़ाई इसलिए नीचे तक बढ़ती जाती है क्योंकि जब पानी का अंदर से प्रेशर पड़े दीवार पर, पानी की लहरें टकराएं तो उस प्रेशर से मिट्टी का बाहर की तरफ प्रेशर ना आए और कटाव ना हो। और नीचे की तरफ जो लगाई जाती है ये पत्थरों की एक दीवार टाइप की बनाई जाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये पत्थर बिछा दिए जाते हैं। बेसिकली ये दो कारण से बिछाए जाते हैं, पहले तो कि बारिश की बूंदों या बहते हुए पानी से दीवार का क्षरण ना हो और दूसरा चूहे बांध में सुरंग ना बना पाए, क्योंकि किसी भी बांध के कभी भी फूटने में, जो पुराने बांधों में उनमें चूहों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, वो चूहे बिल खुद खुद कर मिट्टी को, जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं और बांध कभी भी बह सकता है। तो ये जो पत्थर लगाए जाते हैं इसको पिचिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बांध में क्या है और इसका नाम कलियासोत क्यों पड़ा। ये मेरे पीछे जो संरचना दिखाई दे रही है ये कलियासोत नहर का गेट है। इसके अंदर गेट है जो कि लिफ्ट सिस्टम से उठाए जाते हैं, वो पानी बांध का नीचे से नहर में आ जाता है, जो कि नहर यहाँ पीछे जाती है, ये नीचे जा रही है नहर और सिंचाई के काम आती है। ये इस तरफ पीछे बांध का भराव क्षेत्र है जिसे कि बैक वाटर भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पत्थर क्यों फंसाए जाते हैं, ये पत्थर पानी जब दीवार से टकराए तो मिट्टी का क्षरण ना हो और चूहे वगैरह बिल ना बना पाए, तो इसलिए ये पत्थर लगाए जाते हैं और इसको हम पिचिंग कहते हैं। ये बांध की अंदरूनी सतह को मजबूती देती है, इसे बाहर की तरफ भी लगाया जा सकता है पानी के क्षरण से रोकने के लिए। कलियासोत डैम जो कि कलियासोत नदी में बनाया गया है, इस नदी की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। 4 महीने बारिश में ये नदी के रूप में रहती है और बाकी के 8 महीने में ये गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि अति अतिक्रमण के द्वारा इसको बांध दिया गया और 10 मिलियन बैरल गंदा पानी इसमें रोज छोड़ा जाता है। भोजपुर के पहले जो भोजपुर का बांध है वहाँ पर कलियासोत नदी बेतवा में मिल जाती है और ये बेतवा की सहायक नदी मानी जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये गंगा के दक्षिणी तट की सहायक नदी है, लेकिन इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है अतिक्रमण और गंदगी द्वारा। तो अब हम आते हैं इसके इतिहास पर कि इसका नाम कलियासोत क्यों पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि 11वीं सदी में मालवा में राजा भोज का साम्राज्य हुआ करता था। तो एक बार राजा भोज को एक चर्म रोग हुआ, वो किसी भी वैद्य के द्वारा वो सही नहीं हो सका। तो एक राजा भोज एक ऋषि के पास गए तो ऋषि ने उन्हें ज्ञान दिया कि 365 जल स्रोतों से बने हुए जल स्रोत में आपको स्नान करेंगे तब आपका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। राजा के जल विशेषज्ञों ने चारों तरफ खोज की तो वो भोपाल के नज़दीक आकर अटक गए। तो उन्होंने देखा कि 356 जल स्रोत तो उन्होंने खोज लिए, अब कमी रह गई थी सिर्फ 9 जल स्रोतों की। उस समय यहाँ पर गौड़ कबीले का सरदार हुआ करता था जिसका नाम था कालिया। कालिया को जब ये बात पता चली तो कालिया उनसे मिलने गया और उसने एक ऐसी नदी के बारे में बताया जिसका कोई नाम नहीं था, उसमें भी 9 जल स्रोत आकर मिलते थे। इस प्रकार 356 और 9 365 जल स्रोतों की खोज पूरी हुई और भोपाल में बड़े तालाब का निर्माण किया गया जिसका कि बांध भोजपुर के पास था। कालांतर में होसंग शाह द्वारा वो बांध को तोड़ दिया गया और अब वो बांध सिर्फ एक बड़े तालाब के रूप में ही देखा जा सकता है, एक छोटे से तालाब के रूप में बचा। तो ये था कलियासोत नदी का इतिहास। उस आनाम बेनाम नदी का नाम उस कबीले के सरदार कालिया के नाम पर पड़ा और कालिया स्रोत नाम रखा गया, स्रोत यानी कि सोर्स। उसके बाद कालांतर में कालिया स्रोत अपभ्रंश होकर कलियासोत कहलाने लगा। तो ये था कलियासोत का इतिहास। अब हम देखते हैं कि बांध के दरवाजे कहाँ हैं। अभी हैं हम कलियासोत डैम के भराव क्षेत्र के पास। तो जब भी आप यहाँ आएँ भराव में तो ये कृपया उचित दूरी से रहें, क्योंकि यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। सन 2006 में जब भोपाल में बाढ़ आई थी तो बड़े तालाब का पानी वन विहार क्षेत्र में चला गया था फेंसिंग को तोड़कर,
तो उस समय काफ़ी मात्रा में घड़ियाल और मगरमच्छ बड़े तालाब में आ गए, और चूंकि कलियासोत और बड़े तालाब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो यहाँ भी आ गए और फल फूल रहे हैं। तो कृपया एक उचित दूरी बना के रखें, बिल्कुल एकदम पानी के नज़दीक ना जाएं। और ये जो पीछे देख रहे हैं बीच में दीप या टापू नुमा संरचना, यहाँ मंदिर है, लेकिन वहाँ जाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अभी नाव बंद है और पैदल कोई रास्ता है नहीं। अभी हम आ गए हैं कलियासोत डैम के ट्रेन पॉइंट के पास। ये 13 शटर कहलाता है क्योंकि यहाँ पर कुल 13 दरवाजे हैं, इसलिए इसको 13 शटर कहते हैं। और कलियासोत नदी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है जो कि भोजपुर के पास जाके बेतवा में ड्रेन हो जाती है। यहाँ बांध के बीचों बीच एक टापू पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर भी है, वहाँ जाने के अभी सभी रास्ते बंद हैं, नाव बंद है और पैदल जाने का कोई रास्ता है नहीं। अब हम 13 शटर के पीछे आ चुके हैं और ये डैम का बैकवाटर है जिसे कि भराव कहते हैं, और बीच में यहाँ पर 2 टापू बने हुए हैं। तो एक टापू पर तो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है और दूसरा टापू ऐसा ही है, सिर्फ पेड़ पौधे लगे हैं। तो ये था कलियासोत डैम जिसके बारे में आज हमने जानने और समझने की कुछ कोशिश की। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।